सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मनीषा बाजवाल और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड की केदार घाटी के खूबसूरत से मार्केट गुप्त काशी से। दोपहर के अभी लगभग 12:30 हो रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं गुप्त काशी से कर रही हूँ और मैं यहाँ पे एक शादी अटेंड करने के लिए आई हुई हूँ। तो चलिए, आज शादी है, कल मेहंदी थी, आज शादी है, तो बारात तो जा चुकी है और हम लोग थोड़ा लेट से ही आना हुआ क्योंकि आपको बताया है गाँव में पानव नृत्य चल रहा है, तो इस वजह से सारे काम देखने पड़ते हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट आई हूँ आज, मतलब आज मैं आई हूँ शादी के दिन में। तो चलिए, लंच करने की तैयारी हो गई है, तो आप लोगों को दिखाते हैं कि पहाड़ों में किस तरह से लोग मिलजुल कर जो है पहाड़ी लंच का आनंद लेते हैं और साथ में सब काम मिलकर करते हैं। तो चलिए जी, अभी दिन के लगभग 2 बजने को हैं और हम लोगों के लंच करने की तैयारी हो गई है। और ये रही देवरानी जो कि कल यहाँ पे आ गई थी और साथ में नैनो हो गया और बाकी के कई सारे लोग हैं जो लंच कर रहे हैं। अभी शाम के लगभग 5 बज रहे हैं और दोपहर का लंच जो होता है वो करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया और अभी शाम के टाइम पे, जैसा कि पहाड़ों में होता है, गांव की जितनी भी महिलाएं होती हैं सारी महिलाएं रोटियां बनाती हैं और जेंट्स लोग जो है दाल और सब्जी वगैरह बनाते हैं। तो अभी जो है रोटी बनाने के लिए मैं भी आई हूँ और यहाँ पर मुझे मेरी दोस्त भी मिल गई है, तो काफ़ी टाइम बाद मिलना हो रहा है इससे भी और काफ़ी सारी खुशी हो रही है। साथ में यहाँ पे देवरानी है और ये दीदी लोग भी आए हुए हैं रोटी बनाने के लिए और गांव की सारी महिलाएं लगी हुई हैं रोटी बनाने में और अभी जो है चाय पी रहे हैं सभी लोग, है ना नैनो? अभी हम लोग चाय पी रहे हैं तो टी ब्रेक हम लोगों का चल रहा है, बाकी इतनी सारी रोटी बना ली है, कुछ इससे पहले भी बन चुकी है जो कि यहाँ इन कंडियों में रखी हुई है सब ने। अच्छा, रुको 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 रुको, दुल्हन तो लहंगा पहनती है ना। अभी शाम के लगभग 7 बज रहे हैं और जैसा कि होता है पहाड़ी शादी में महिलाएं रोटी बनाती हैं और जेंट्स लोग जितने भी रहते हैं तो वो लोग साग सब्जी दालें वगैरह बनाते हैं, तो सब कुछ बन के तैयार हो चुका है और दुल्हन के स्वागत के लिए सारी सजावट वगैरह हो चुकी है। तो देखते हैं कितनी देर में अभी दुल्हन आती है और आप लोगों को आज के ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से पहाड़ी रीति रिवाज के साथ दुल्हन का स्वागत किया जाता है। और जो बाराती हैं काफ़ी दूर बारात लेके गए हैं, काफ़ी दूर से दुल्हन को ले आना है, तो देखते हैं अभी कितना और टाइम लगता है। तो चलिए जी, अभी रात के 8 बज रहे हैं और सब लोग डिनर करने के लिए बैठ गए हैं, बाकी बारात अभी आई नहीं है तो पहले डिनर कर लेते हैं, उसके बाद बारात का स्वागत करेंगे। Okay.
श्रीमान आसन दे राजा सुस्वागतम चा सुस्वागतम चा सेवा स्वीकार छट्टा भूलो ते जिया भोरे प्यार बैणियों की जय जयकार श्रीमान आसन दे राजा सुस्वागतम चा सुस्वागतम चा चलिए जी, दुल्हन का स्वागत भी हो चुका है। बाकी सभी लोगों ने अभी दुल्हन के साथ फ़ोटोशूट करवा लिया है। और अभी जो रस्म चल रही है इसको सास भोंट बोलते हैं। इस रस्म में बहू सास के पैर धोती है और सास बहू के लिए कुछ ना कुछ मुंह दिखाई में देती है और दुल्हन भी अपने सास को कुछ ना कुछ गिफ्ट देती है। बाकी इस परिवार में जितनी भी सास और जेठानियाँ होती हैं या फिर सासू की जो माँ होती हैं, तो सभी को इस तरह से टीका किया जाता है और साथ में गिफ्ट दिया जाता है इस रस्म में। हमारी गढ़वाली बोली में इस रस्म को सस भिहोंट कहा जाता है और आप इस रस्म को मुंह दिखाई की रस्म भी कह सकते हैं। मेरी
चलिए जी, रात के लगभग 11:30 हो रहे हैं और दुल्हन का ससमिहट वाली रस्म भी पूरी हो गई है और अभी गृह प्रवेश चल रहा है। बाकी रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। उम्मीद और आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मनीषा बजवाल मिलती हूँ आपको अपने अगले इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।